छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, सरकार रोल बैक करेगी? देखिए, सरकार अपने मन से तो रोल बैक नहीं करेगी, लेकिन उसको रोल बैक कराया जाएगा। उसी के लिए जो है ये सारा प्रयास किया जा रहा है कि जेएनयू को बदनाम करके जिस तरीके से विद्यार्थियों की जो बुनियादी मांग है उसको गुमराह किया जा रहा है, उसको हाईलाइट किया जाए। अभी हमने विद्यार्थियों से बात की, उनका एकमात्र मांग है कि यह जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस ले लिया जाए, और उन लोगों का कहना है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज विद्यार्थियों ने सिटीजन्स का और पुराने जेएनयू स्टूडेंट्स का मार्च बुलाया था, और पुराना स्टूडेंट होने के नाते हम भी इसमें शामिल हैं। जिस तरह से पुलिस की जो बर्बरता की बात जो है छात्र लगातार कर रहे हैं, शशि भूषण के ऊपर जिस तरह से लाठी का प्रयोग किया, वीडियो सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अजीब बात है कि देश में लोकतंत्र है, लेकिन इस देश की सरकार पुलिस के माध्यम से इसको लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र में बदल देना चाहती है। स्टूडेंट्स पे लाठी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी मांग को सुन लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उसको जो है उनकी मांगों को मान लीजिए, आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जानबूझ करके ये इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थियों के जो सवाल हैं उससे जो एक लार्जर पॉलिसी लेवल क्वेश्चन जो रेज होता है उसको डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि ये जो फीस बढ़ाई गई है उसके पीछे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। पॉलिसी फ्रेमवर्क ये है कि यूनिवर्सिटी का खर्चा विद्यार्थियों से लिया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी मॉल नहीं है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है जहाँ लोगों को पढ़ाना है। यहाँ 40% 50% पे सेल पे आप एजुकेशन को नहीं बेच सकते हैं, तो उस पूरे के पूरे पॉलिसी के ऊपर सवाल रेज होता है। और साथ ही साथ इस देश में शिक्षा की जो हालत है उसकी जो जर्जरता है उस पर सवाल खड़ा होता है, और लोग जो स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई करते हैं उसके बाद भी जो उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो लार्जर जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है उस पर ये सवाल खड़ा होता है। इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि लाठियों के दम से इसको दबा दिया जाए, लेकिन वो आप लोग न्यूटन का लॉ पढ़े होंगे कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र में जो है आज बीजेपी और एनसीपी की जो है सरकार बन गई, उस पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में बारी बारी सवाल लेते हैं, हाँ, क्या करेंगे, उनका पेट का सवाल है, ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो व्यूअर्स कैसे मिलेगा? तो व्यूअर्स के लिए ऐसी बात बोलते हैं, और वो आरजे हैं, उनका काम है कि वो लोगों को हंसाएं, लेकिन अगर वो गंभीरता से सोचेंगे तो उनको इन विद्यार्थियों का आंसू भी नज़र आएगा। उनका जो हंसने हंसाने का जो उनका धंधा है, जो रोजी रोटी है, उससे इतर आज के विद्यार्थी क्यों रो रहे हैं ये चीज़ भी उनको नज़र आएगा। जिस तरह से मजबूत सरकार है, 56 इंच मजबूत सरकार है, मुझे तो जो है ये मजबूत सरकार दिख रही थी अभी थोड़े दिन पहले भी महाराष्ट्र में, उससे पहले हरियाणा में, तो मुझे तो ये मजबूत सरकार दिख रही थी। आप कह रहे हैं कि मजबूत सरकार है, पैसा है इनके पास, और ये पैसे का इस्तेमाल करके विधायक खरीद करके मजबूत हो जाते हैं, लेकिन वो असली मजबूती नहीं है। असली मजबूती पैसे से नहीं, बुद्धि से होती है। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है एनसीपी के अजीत पवार या कई जो है साथ चले गए, बन गई सरकार बन गई, शपथ ले ली है फडणवीस से, हाँ, अभी बहुमत सिद्ध करना बाकी है। आपने जो है ये भी कहा कि सरकार जो कहती है पैसा नहीं है, लेकिन विधायक देश कभी बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, इस तरीके से बात जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं, लेकिन इसीलिए BSNL बिक रहा है, इसीलिए रेलवे बिक रहा है। जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश की राष्ट्रीय संपत्ति BSNL रेलवे और BPCL बेच रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।